वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मना रहे हैं। भारत की आजादी के समय भारत को इंटीग्रेट रखने का और ये बिखरने न पाए या इसके जो उस समय विभाजन हुआ था उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इस भारतवर्ष में रहे, इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो योगदान है वो हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, हम लोग ऐसा मन होना चाहिए। जिस दृढ़ता से और जिस मजबूती के साथ वो उस समय डटे थे वो वास्तव में अनुकरणीय है और हम लोगों के लिए ये निश्चित रूप से फख्र की बात है कि हमारे देश के नेता ऐसे। इस अवसर पर मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सिविल सर्विसेज के लिए तो उनका विशेष योगदान है, ये शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि आजादी के बाद जब इस देश में किस टाइप का स्ट्रक्चर रखा जाए नौकरी का, क्योंकि उस समय आईसीएस हुआ करता था तो बहुत लोग पैरवी कर रहे थे कि आईसीएस सेवा समाप्त कर दिया जाए और जो स्टेट्स की सर्विसेज हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, आईसीएस जैसे पद समाप्त कर दिए जाए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कहना था नहीं, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ये ऑल इंडिया सर्विसेज जरूरी है। साउथ का आदमी नॉर्थ में आके काम करेगा, नॉर्थ के साउथ में काम करेगा, ईस्ट का वेस्ट में करेगा, वेस्ट का ईस्ट में करेगा, तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन की भावना आएगी और इसीलिए